हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग कंप्यूटर का एक चैप्टर देखने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट का। आज कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग डिवाइस इज एन इमेज प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कौन ऐसा डिवाइस है। ऑप्शन आपको 5 दिया हुआ है, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड और नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कौन सा जो डिवाइस है वो इमेज प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, और वो इनपुट है। तो चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से सभी कोई आंसर देंगे। देखिए जो पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। डैश डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक। इसका आंसर लगभग आपको पता है। इसका आंसर जो होता है, कौन सा जो जो इसमें डिवाइस दिया हुआ है, ठीक है, जिसका इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे दिखता है, तो क्या होता है आपका, मॉनिटर होता है, सीधे आपको दिख रहा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, डैश इज यूज मेनली फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इन टू योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग टेस्ट करने के लिए कौन सा इसमें से डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। तो आपको पता है कौन सा डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन सी कीबोर्ड। क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। द स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड इज कॉन्फिगर्ड यूजिंग द डैश लेआउट। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, वो कौन सा कॉन्फिगर पर वर्क करता है। तो आपको पता होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी की WERTY। क्या हो जाएगा आपका, की WERTY। क्लियर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, उसमें क्या है, द डिवाइस विच हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विथ अ कंप्यूटर इज कॉल। कोई ऐसा डिवाइस बताइए, ठीक है, जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में आपको हेल्प करता हो। तो आपका पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और बोथ ए एंड बी। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। इसका आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ई होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। क्लियर, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश डिवाइस इज एन एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू इंटर डाटा इंस्ट्रक्शन इन टू अ कंप्यूटर। बताइए कौन ऐसा डिवाइस है हार्डवेयर, ठीक है, जो आपको डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में, ठीक है, इन करने के लिए परमिशन देता हो। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, इनपुट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, द डिवाइस दैट कैन बोथ फीड डाटा इन टू एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको बताना है कौन ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो डाटा देता भी हो और लेता भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर आपका आ जाना चाहिए। आंसर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही, इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अनस्टेबल डाटा एंड प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट, मॉनिटर और इनपुट। क्या हो जाएगा उनका, ऑप्शन ई होगा, क्या हो जाएगा आंसर, इनपुट हो जाएगा। क्लियर, 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। द इंसर्ट कैप, द इंसर्ट कॉमा, कैप लॉक एंड न्यूमेरिकल लॉक आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डैश कीज। जल्दी से बताइए किस की का एग्जाम्पल है, कंट्रोल की, फंक्शन की, टॉगल की, शॉर्टकट की एंड नॉन ऑफ दिस। जल्दी से आप बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा, टॉगल कीज। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ स्मॉल डिवाइस यूज टू पॉइंट टू सिलेक्ट आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। कोई ऐसा डिवाइस का नेम बताना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, जो जिससे हम लोग कोई भी चीज़ कंप्यूटर के स्क्रीन पे हो उसे हम सिलेक्ट कर सके। तो जल्दी से बताइए कौन सा वो डिवाइस होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा आपका, माउस हो जाएगा, ऑप्शन ए, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। आज कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। आपको बताना जो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर होता है वो किस टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर, तो चलिए पहला का ऑप्शन है लाइन पर मिनट, सेकेंड ऑप्शन है कैरेक्टर पर मिनट, थर्ड ऑप्शन है डॉट पर मिनट और फोर्थ
फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, और पांचवा जो लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैरेक्टर पर मिनट, जो स्पीड ऑफ प्रिंटर को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। क्या कौन सा ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो डायरेक्टली इनपुट करता है प्रिंटेड टेक्स्ट को। क्लियर, ऑप्शन है DPI, OCR, OMR, MICR, नॉन ऑफ दिस। ये जितना भी दिया है आप इसे क्या कीजिएगा, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म, या आपको एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए जितना भी कंप्यूटर बुक में यूज़ होता है, ठीक है, वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर, चलिए इसका ऑप्शन आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका क्या होता है फुल फॉर्म होता है OCR का। क्लियर, अगला क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ अ लेजर प्रिंटर। आपका ऑप्शन है LPM, BBM, CPM, DPI और नॉन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन आप जल्दी से बता दीजिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, प्रिंटर जनरेट्स कैरेक्टर फ्रॉम अ ग्रिड। जल्दी से बताइए, प्रिंटर जनरेट्स कैरेक्टर फ्रॉम अ ग्रिड। ऑप्शन है लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दिस एंड नॉन ऑफ दिस। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं और जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, डॉट मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जनरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ ग्रिड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी डॉट्स पर इंच प्रिंट अ फोटोग्राफिक प्रिंटर। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन डी 1200। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं हम लोग। अब फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स आपको बताना है, जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें क्या क्या होता है। क्लियर, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है सर्कुलर ट्रैक्स ओनली सेकेंड, सेक्टर्स ओनली थर्ड, बोर्ड सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, डी सिलेक्शन ओनली, और लास्ट ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। जल्दी से आंसर दीजिए आप। क्या हो जाएगा हमका, ऑप्शन सी बोथ सर्कुलर ट्रैक एंड सेक्टर। क्लियर, सीडी रोम, क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा, सीडी रोम इज अ, आपको बताना है। ऑप्शन है सेमी कंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर्स, मैग्नेटिक मेमोरी, सॉफ्टवेयर और नॉन ऑफ दीज। क्लियर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग मूव करते हैं। आपका है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज अ फास्टर फॉर्म। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर आप दे दो। क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 19, अ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। आपको पता है कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, यही दो होगा, तो क्या होता है आपका कीबोर्ड जो होता है वो कौन सा डिवाइस होता है आपका, इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, वी कैन इंटर टेक्स्ट टू द कंप्यूटर बाय। देखिए हम लोग जो कंप्यूटर में टेक्स्ट इंटर करते हैं वो किस चीज़ से करते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने अबव क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके आंसर दिए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, कीबोर्ड होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, वी कैन क्विकली मूव अ क्रसर बाय। जो क्रसर हम लोग जो चिन्ह देखते हैं लोग, ठीक है, जो एरो का चिन्ह बोलते हैं उसको क्रसर भी बोलते हैं, ठीक है, तो किस चीज़ हम लोग क्विकली मूव कराते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन दिया हुआ है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, नॉन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से बता दो आप, ऑप्शन सी माउस। क्लियर, स्कैनर स्कैन्स, जो स्कैनर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, प्रिंटर में आप लोग देखे होंगे स्कैनर होता है, वो क्या चीज़ को स्कैन करता है, यही बताना, पिक्चर, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर नॉर टेक्स्ट, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे, डैश ट्रांसफर डाटा फ्रॉम कंप्यूटर ऑन टू पेपर। जल्दी से बताओ क्या होता है, इसमें सबको पता होगा क्या हो जाएगा, प्रिंटर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो प्रिंटर ही होता है ना, जो कंप्यूटर से डाटा लेता है वो प्रिंट करके प्रिंटर से आपको बाहर देता है, ठीक है। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है यहाँ डाटा दिया हुआ है, कौन ऐसा चीज़ है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, यही आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा
माउस क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन क्या जो बोलते हैं वो डाटा लेता है तब उसको कहीं और ट्रांसफर कर देता है, तो माइक्रोफोन भी क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो बचा कौन, मॉनिटर। तो मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, जो भी चीज़ हम लोग इंटर करते हैं वो क्या करता है आउटपुट के रूप में हम लोग को देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मॉनिटर। क्लियर। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर प्रिंटर, आपको कंप्यूटर प्रिंटर बताना है, जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है वो कौन सा डिवाइस है, इनपुट है आउटपुट है स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दो ऑप्शन हटा देते हैं, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर दो होगा नहीं और ये नॉन ऑफ दिस ए भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन बचा आपके पास, ए इनपुट और बी आउटपुट। जल्दी से आप आंसर दे दीजिए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए क्या कह रहा है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आपको बताना है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो क्या है, इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इज एन आउटपुट डिवाइस ओनली, इज अ सॉफ्टवेयर, इज एन इनपुट डिवाइस ओनली एंड लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। क्लियर। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज एन आउटपुट डिवाइस ओनली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, आप पूछा क्या रहा है ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस, आपको क्या बताना है जो ग्रुप बनाया गया है ठीक है उसमें इनपुट डिवाइस केवल का बताना है, कौन सा ग्रुप है जो केवल इनपुट डिवाइस है। तो पहला देखिएगा ऑप्शन ए जो है क्या है, माउस कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ठीक है। तो आपको पता है मॉनिटर क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। फिर चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, माउस कीबोर्ड और स्कैनर। देखिए माउस क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, और स्कैनर भी क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, माउस कीबोर्ड और प्रिंटर, तो माउस और कीबोर्ड क्या होता है आपका इनपुट होता है, प्रिंटर क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन सी नहीं होगा। क्लियर। ऑप्शन डी चेक करते हैं, माउस कीबोर्ड और लाउड स्पीकर, ठीक है। तो माउस और कीबोर्ड क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, लाउड स्पीकर क्या होता है जिसमें आवाज़ सुनते हैं मतलब वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है उस आवाज़ आता है वो चीज़, तो लाउड स्पीकर में क्या अगर माइक यूज करते हैं तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है जैसे माइक्रोफोन वाला क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है। तो लाउड स्पीकर क्या है हम लोग का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, माउस कीबोर्ड और स्कैनर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 28 आपको कमेंट करना है, ठीक है ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको क्या करना है कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारी वीडियो जितने भी वीडियो आएगी एमसी इंडिया ऑफिशियल पे वहाँ सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर। चलिए हम अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है क्या, सीडीज एंड डीवीडीज आर ऑफ विच शेप, आपको बताना है सीडी और डीवीडी होता है वो किस शेप में होता है, ऑप्शन ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और राउंड एंड लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राउंड। आपने सीडी देखा होगा, ठीक है पहले मेमोरी कार्ड से पहले हम लोग जो मूवी वगैरह देखते थे वो सीडी से ही देखते थे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 34, सीइंग द आउटपुट वी यूज, हम लोग क्या करते हैं आउटपुट देखने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, जब हम लोग यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड बात हो रहा है तो क्या चीज़ आउटपुट देखने के लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है क्या चीज़ यूज करेंगे, मॉनिटर। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी मॉनिटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसमें आपको बताना है बी आई ओ एस स्टैंड फॉर, अगर आपको जितने भी कंप्यूटर फुल फॉर्म यूज हुए हैं अगर उसका वीडियो आपको चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा एमसी इंडिया ऑफिशियल का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं बी आई ओ एस का, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, समझे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी है। क्लियर। आपको बताना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 32 है, जनरली द माउस हैज बटन्स, आपको जो बताना है कि माउस में कितने बटन्स होते हैं, ठीक है, तो आपने दो देखा होगा। क्लियर। लेकिन बहुत सारे माउस में दो और तीन दोनों बटन होते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्म रिलेटेड विथ ए प्रिंटर, आपको बताना है क्या है, इसमें से जो डाटा दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है वो
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रिंटर से रिलेटेड है, यही आप क्या करना है बताना है। डीवीडी है, कार्टिज है, हार्ड डिस्क है और कीबोर्ड है। तो आपको पता है डीवीडी तो होगा नहीं, हार्ड डिस्क होगा नहीं, कीबोर्ड होगा नहीं, तो बचा कौन, कार्टिज। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 34 क्या है, इन कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इन कंप्यूटर सिस्टम स्कैनर इज डैश डिवाइस। स्कैनर कौन सा डिवाइस है, जल्दी से बताइए। हमने पढ़ा है पिछले भी क्वेश्चन में, हम लोग देखा होगा स्कैनर से बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्लियर। अब चलिए बताइए स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर, स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इट। आपको बताना है कि स्पीड जो होता है लेजर प्रिंटर का किस चीज में हम लोग मापते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी PPM। क्लियर, क्या होगा PPM। क्वेश्चन नंबर 36 इफ यू वही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कि जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, जब हम लोग सीडी वाला क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका क्या होगा फुल फॉर्म, आप कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से। इसका भी मैं आपको आंसर देने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है क्योंकि मैंने इसका फुल फॉर्म इसी वीडियो में बताया हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, डाटा गोइंग इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। आपको बताना जो डाटा कंप्यूटर में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। क्या हम लोग बोलेंगे जो डाटा कंप्यूटर में जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, अ डीवीडी इज एन। आपको बताना जो डीवीडी होता है वो क्या होता है, जल्दी से बता दो। ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। क्लियर, क्या हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 40, कीबोर्ड एंड आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है। तो आपको पता है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, मॉडेम क्या होता है वो नेट चलाने के लिए यूज करते हैं, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस क्या है इनपुट डिवाइस है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी माउस क्या हो जाएगा आपका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको बता रहे 40 नंबर जो क्वेश्चन है, कीबोर्ड इज यूज्ड, कीबोर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा ऑप्शन जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए फॉर इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा सारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है एक को छोड़ के, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। अरे आपको मालूम होना चाहिए ऑप्शन डी जो प्रिंटर है वो क्या है आउटपुट डिवाइस है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर 43 है ये हमने पढ़ा है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको पता होगा तो जल्दी से टिक मार दीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, हाउ मैनी कीज वेयर इन द कीबोर्ड यूज इन अर्ली डेज। ऑप्शन बी अर्ली डेज में 83 की यूज होता था कीबोर्ड में। क्लियर। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड, जल्दी से बताइए कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी 12। क्लियर। 46, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज द डायरेक्शनल एरो वी प्रेस। ऑप्शन ए न्यूमेरिकल लॉक। क्लियर। कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड, जल्दी से बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसके लोग बोलते हैं मॉडिफायर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48, द की डैट मस्ट बी प्रेस्ड ईच टाइम अ न्यू कमांड और इन्फॉर्मेशन इज इंटर्ड एज। ऑप्शन बी रिटर्न एंड इंटर। क्लियर। 49, अ बटन दैट मेक्स अ कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड अ नंबर टू सिंबल्स, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका शिफ्ट की। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हैव द कर्सर ऑन ए स्पेस टू द राइट और पुट ए स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स डैश, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी स्पेस बार। क्लियर। और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हो सभी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आगे भी कंप्यूटर का वीडियो आए तो आप कमेंट कीजिएगा, या तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर जाकर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कि आगे भी आपको कंप्यूटर का वीडियो चाहिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना से जितना हो सके सभी ग्रुप में, आप जितने भी ग्रुप में ऐड हुए हो, ठीक है, चाहे वो पेड कोर्स में हो चाहे कोई भी कोर्स में आप ऐड हुए हो, सभी में क्या कीजिएगा आप शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, जिनको मैथ्स के किसी चैप्टर में पार्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो आप बोलिएगा, वो चैप्टर आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा और सभी जितने भी डाउट होंगे आपको एग्जाम से पहले क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।